नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 2, विक्रय मूल्य 1400, विक्रय मूल्य बराबर 1400 रुपया, लाभ है 280, लाभ बराबर 280, तो क्रय मूल्य निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्रय मूल्य आ गया आपको 1120। अब निकालना है लाभ प्रतिशत, तो बराबर हो जाएगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, लाभ है 280, क्रय मूल्य 1120 गुने 100, 1060 कैंसिल कर दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 2800 बट्टे 112, कैंसिल कर दीजिए इसको, 7 से कर देते हैं, 7 × 7 = 42, 7 × 6 = 48, 400, 16 × 32 = 8580, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपको 25%, और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 3, सवाल है विक्रय मूल्य 950, विक्रय मूल्य बराबर 950, हानि है 50 रुपया, हानि बराबर 50, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 950 + 50, तो क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपया। अब निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, तो हानि कितना 50, क्रय मूल्य 1000 गुने 100, 2 × 2 = 0 कैंसिल, 1 × 0 कैंसिल, तो आपका हानि प्रतिशत आ गया 5%, और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 4, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विक्रय मूल्य बराबर 375 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 375, लाभ हो गया 25, लाभ बराबर 25 रुपया, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 375 - 25, तो क्रय मूल्य हो गया 350 रुपया, और लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 को 10 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 50 बटे 7, 7 से भाग दिए तो 7 × 7 = 49, 1 = 7%, ये हो जाएगा आपका आंसर।